33 घंटे मौत से लड़ी कोमल टीचर, आखिर हार गई जिंदगी की जंग। एक तरफा प्यार में छात्र ने मारी थी गोली। मेरठ से आज आया कोमल टीचर का शव, जिन्हें देखने हजारों की संख्या में पहुंचे लोग, सभी की आंखें हो गई नम। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर के RCTI कंप्यूटर सेंटर में कोमल टीचर बच्चों को कंप्यूटर क्लास पढ़ाती थी। इसी दौरान कोमल टीचर से उनका एक स्टूडेंट एक तरफा प्यार करने लगा, जिसका नाम प्रशांत है। प्रशांत कोमल टीचर को रोज परेशान करने लगा। कोमल टीचर प्रशांत को समझाने लगी और उन्होंने प्रशांत से साफ इनकार कर दिया, जिस बात से स्टूडेंट प्रशांत नाराज हो गया और वह तमंचा लेकर कंप्यूटर सेंटर पहुंच गया और वहां जाते ही कोमल टीचर के यह कहकर गोली मार दी, तू मेरी नहीं तो किसी की नहीं। गोली मारने के बाद आरोपी प्रशांत मौके से हो गया था फरार। फरार होने के बाद कुछ ही घंटे में पुलिस ने उसे कर लिया था गिरफ्तार। कोमल टीचर के गोली लगने के बाद भेजा गया था मेरठ, जहां उन्होंने इलाज के दौरान तोड़ दिया दम। 33 घंटे मौत से लड़ती रही कोमल टीचर, आज घर आया उनका शव, जिसे देख पूरे बिजनौर में बना गम का माहौल। कोमल टीचर के परिवार पर टूटा गमों का पहाड़। सभी ने की एक ही मांग, आरोपी प्रशांत को होनी चाहिए फांसी की सजा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या नाम है? अभिनव देवल नाम है मेरा। अभिनव जी, आपकी बहन टीचर के गोली मारी है तरिंदे ने, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? सर, मेरी बहन रोज़ पढ़ाने जाती थी, उसे पता नहीं कैसे उसे मार दिया। उसे बिचारी बहुत सीधी लड़की थी और उसे बिचारी को मारा गया। आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले और फांसी तक पहुँचे। वो मुझे यही फांसी चाहिए। मैं यही पुकार लगाना चाहता हूँ योगी सरकार से। मैं सबको देखता कि क्या कर रही, क्या कर रही सरकार, पर अपने केस में देखना। आज तक मैंने कोई ऐसा केस नहीं देखा, बस सब सुना ही है मैंने, अपने घर में देखना पड़ गया।